कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आज हरिमंदर साहब माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वे 11:30 के करीब यहां पर पहुंचेंगे और इस समय यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े जो प्रबंध किए गए हैं और श्रोमी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो उनके मुलाजिम हैं उनको यहां पर परिक्रमा में तैनात किया गया है कि किसी तरह की परेशानी जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार को ना हो। और हरिमंदर साहब जब वो आएंगे तो उनके साथ पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू भी परिक्रमा में शामिल होंगे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की तरफ से पहले ही अनुरोध किया गया है सीपीसी को कि वे अपने परिवार के साथ यहाँ पर एक आम जो श्रद्धालु है उस तरीके से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं। इसी के चलते सुरक्षा के 3 घेरे तैयार किए गए हैं जिनमें से जिन घेरों में उनको परिवार को और जस्टिन ट्रूडो को रखकर हरिमंदर साहब के दर्शन करने के लिए ले जाया जाएगा। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो और उनका परिवार जो गुरु रामदास लंगर हॉल है वहां पर भी जाएगा, कैसे लंगर तैयार किया जाता है लंगर का स्वाद भी वह परिवार चखेगा। इसके बाद पार्टीशन म्यूजियम में वह कुछ समय बिताएंगे और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ होटल ताज में उनकी बैठक होगी और उसमें पंजाब और खास करके पंजाबियों जो कनाडा में हमारे पंजाबी रहते हैं उनको अमृतसर के साथ जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट की भी बात चल रही है इन तमाम बातों पर चर्चा होगी और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजीव शर्मा, दैनिक सवेरा, अमृतसर।